नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं दिलीप कुमार आपका 12th+ की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक बीएससी बीएड की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके ऊपर आपके पर डे लेक्चर डाले जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन है जो 12th+ ऐप के बारे में या 12th+ इंस्टीट्यूट के बारे में रोजाना रिपीटेड पूछा जा रहा है कि क्या सर VMOU का भी आप एकेडमी कोर्स देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, BSc का VMOU का हम कोर्स देते हैं। तो क्या सर आपने सभी कोर्सेज के अंदर या सभी जो आपके जितनी यूनिवर्सिटी के कोर्स आप करवाते हो उन सब में क्या कोर्स लेक्चर अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं? जी हाँ, वहाँ आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, वो आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो क्या सर लेक्चर के साथ साथ में, वीडियो लेक्चर के साथ में क्या PDF अवेलेबल रहेगी नोट्स की? हाँ जी, जो लेक्चर होगा, जितने टाइम का लेक्चर होगा उतनी ही उसी लेक्चर की जो टीचर ने लिखा है वहाँ पर, जो आपके एजुकेटर ने वहाँ पर लिखवाया है आपको, उन सभी की PDF, डिजिटल PDF जो पेन टैप के ऊपर PDF बनी हुई होती है, वो आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो क्या सर हम अभी कोर्स खरीद सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, अभी आप इस कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं, अभी से आप पढ़ाई करने लग जाओ, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, आपके लिए एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। आप एक बार सही ढंग से बैठने पढ़ने लग जाओगे तो आप अच्छे मार्क लेके आ जाओगे। तो क्या सभी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है? अभी तक ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है या सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस रिलीज कर दिया है, उनके लिए हम कोर्स अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी सभी में ईयरली है, तो हम उसमें ईयरली सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके कोर्स लेके आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बात रहती है कि सर YouTube के ऊपर क्लास लगती है, आपने देख लिया होगी, क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आपको वहाँ पर लेक्चर अपलोड है 2-4 और रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, तो आप वहाँ देख लोगे कि कैसे क्लास लेते हैं। अब क्या होता है कि ऐप के ऊपर हमारे पास में एकेडमी कोर्स है, हम आपको BSc का पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ एकेडमी कोर्स होने के नाते हम आपको इसके ऊपर कितना इफेक्टिव कर पाते हैं, क्या दूसरा तरीका और है जहां से इफेक्टिव क्लास ली जा सकती है? हाँ जी बिल्कुल है, हमने एक और इफेक्टिव तरीके से आपकी क्लास लेते हैं, जिसकी वीडियो क्लिप मैं आपके इसके साथ में अटैच करता हूँ। उस क्लास में हम कैसे एक टीचर 1-to-1 स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, कैसे एक स्टूडेंट को वो इफेक्टिव तरीके से समझाया जा सकता है टॉपिक को, पूरी थ्योरी लिखवाई जा सकती है, उसके लिए हमें आपको एक, जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो वैसे ही आपको महसूस होगा जब आप इस ऐप के ऊपर से लेक्चर देखोगे तब। तो उसके यानी डेमो क्लास, जिस डेमो के लिए बोला जा रहा है, तो डेमो क्लास में मैं आपका, जैसे आज बोटनी का पेपर आने वाला था तो मैं आपके बोटनी मैम का ही वीडियो अटैच कर रहा हूँ, जिसको आप देखिएगा, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि कैसे क्लास को इफेक्टिव तरीके से हम लेते हैं, और वही जो वो लिख रहे हैं वही PDF आपकी अपलोड रहेगी, उस लेक्चर के साथ में अटैच रहेगी, सब कुछ सिस्टमेटिक है। कैसे, सभी यूनिवर्सिटी को आपको पता है कितने कोर्स होंगे, BSc फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की जगह अभी सेमेस्टर आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, सेकंड सेमेस्टर आ गया। आप कोर्स परचेज करते टाइम बाकी लोग जो गलती कर रहे हैं वैसा आप ना करें, क्योंकि कोर्स आप जब एक यूनिवर्सिटी को ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज है, PCM का अलग है, CBZ का अलग है, फर्स्ट सेमेस्टर अलग है, सेकेंड सेमेस्टर अलग है और सेकेंड ईयर अलग है। आप पूरा नाम ढंग से पढ़िएगा फिर आप उस कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि प्राइस तो क्या है, 599, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप अभी से ले लोगे, आप अभी जितना आपको टाइम मिलेगा उस टाइम में भी आप इनके लेक्चर देखोगे तो एग्ज़ाम तक तो आप एकदम मास्टर बन जाओगे, सही बात है कि नहीं है? वैसे ही अभी BSc BEd के जिसके 4th ईयर के एग्ज़ाम में, आपको यहाँ पर सिर्फ लेक्चर देखने हैं, कौन से, यूट्यूब के ऊपर, अभी ऐप के ऊपर आपके लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और 20 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो 20 दिन के लिए आप कोर्स खरीद के भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम 20 दिन में बहुत कम सिलेबस अपलोड कर पाएंगे। तो आप यहाँ से आपकी क्या कीजिए, यहाँ से आपके PYQ देख लीजिएगा, और जो BSc BEd 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग परचेज करो कोर्स, हम आपका एग्ज़ाम तक मैक्सिमम कोर्स अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, कॉलेज की हवाएं लगी है, अच्छी बात है, कॉलेज में आए हो, फ्रीडम मिली है, मौज करो, लेकिन पढ़ाई साथ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेमेस्टर है, पहली बार हो रहा है ऐसा, तो इसमें सब कुछ नया होगा आपके लिए, हम आपके साथ खड़े हैं 100%, आप कोर्स को परचेज करो, हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल और टाइम पे देंगे, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अभी ये वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उसको देखिएगा, उसमें जैसे आपका लेक्चर लिया जा रहा है वैसे लेक्चर होंगे, प्लस जो टॉपिक बोर्ड के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझाया जा सकता वो लेक्चर आपका बोर्ड के ऊपर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए 12th+ के साथ।
हेलो गाइस, मैं प्रिया शेखावत इस 12th प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम सेल बायोलॉजी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल देखा था। आज हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का और उसके फंक्शंस देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मींस प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक या कैरियन मींस न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी आदिम नाभिक हो, ऐसे सेल जिसके पास आदिम नाभिक हो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रखते हैं। अब आदिम नाभिक मतलब या प्रोकैरियोटिक सेल मतलब या प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखे तो उसका मतलब क्या है? ऐसा न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल बाउंड्री में ना हो, नॉट क्लोज्ड इन अ बाउंड्री और एनवेलप, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियर मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक की जो सामग्री है वो किसी बाउंड्री या किसी आवरण में ना प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक लक्षण है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। और हमने क्या देखा था? तो उसकी हमने साइज़ की बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की। तो इसकी साइज़ होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर थर्ड कैरेक्टर क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य, उसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज, नॉट ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, सारे कोशिकांग नहीं होते, वैसे टाइप की सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हम इसके जनरल स्ट्रक्चर, जनरल डायग्राम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके बारे में एक एक डिटेल से देखेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो सबसे पहला माइक्रोफॉसिल है, माइक्रोफॉसिल जीवाश्म जो होता है, उसकी स्टडी करी हमने। तो हमें ये पता चला जो प्रोकैरियोटिक सेल है या जो प्रोकैरियोट्स है वो अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ही बन चुके थे, यानी 2.5 बिलियन साल पहले ही आ चुके थे। और अराउंड इसके बाद 1 बिलियन ईयर्स तक और कोई सेल डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो हमें यूकैरियोटिक सेल देखने मिलता है। प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट डेवलप हुए थे। तो इसका अराउंड अगर हम फॉसिल स्टडी करें तो 1.5 बिलियन आज से 1.5 बिलियन ईयर अगो हमें यूकैरियोट के फॉसिल्स देखने को मिले। अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1.5 मिलियन पहले ही यूकैरियोट्स डेवलप हुए, उससे पहले सारे प्रोकैरियोट्स ही थे। और हमने इसकी स्टडी, डिटेल स्टडी कब करी? या जो फर्स्ट प्रोकैरियोट हमारे इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो हुआ था हमसे प्रोकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का, तो वो अराउंड हमें 20th सेंचुरी में पता चला, 20वीं सदी में हमें पता चला प्रोकैरियोट्स के बारे में।
1962 में दो साइंटिस्ट थे, आर स्टेनियर एंड सी बी वॉन नील। इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का कंपैरिजन किया था, कंपेयर किया था इन्होंने यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक कोशिका एंड प्रोकैरियोटिक सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को, और हमें ये बताया कि यूकैरियोट के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या नहीं प्रेजेंट है। ये सब हमें 1962 में आर स्टेनर और सी बी वॉन नील ने हमें बताया। इसके बाद हम देखें कि हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे किसको लेते हैं, बैक्टीरिया को। प्रोकैरियोटिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट नोन एग्जाम्पल है, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में। तो सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स है, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, या दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। एक है आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, और दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया। ये दोनों ही बैक्टीरिया के ग्रुप है, इसीलिए हम इनमें बैक्टीरिया को पढ़ते हैं बेस्ट नोन एग्जाम्पल के तौर पर। और देखा जाए तो इन दोनों की जो संरचना है, ये दोनों स्ट्रक्चरली काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को ही, बैक्टीरिया की संरचना को ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, पहले रीजन जान लेते हैं सिर्फ बैक्टीरिया को क्यों पढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ वेरिएशन इन शेप एंड साइज, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो इनका मौलिक संरचना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज सेम इन बोथ ग्रुप्स। यानी आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है, उनकी मौलिक जो संरचना है वो दोनों की बिल्कुल सेम है, काफी से हद से ज्यादा तक ये दोनों बिल्कुल एक जैसी होती है, इसलिए हम बैक्टीरिया को इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, या बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेल्युलर है, एक ही कोशिका का है बना होता है, तो इसलिए इसकी स्टडी हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन लोकोमोटिव होते हैं, यानी लोकोमोशन गति नहीं करते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना पोषण खुद कर बनाते हैं अपने पोषण के लिए, स्वपोषी, और हेटरोटाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक टाइप के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जनरल बात हुई हमारे बैक्टीरिया की। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया का डायग्राम भी देखा था, तो अभी हम पहले बैक्टीरिया का डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया का कैप्सूल, ये क्या बना हमारे बैक्टीरिया का कैप्सूल। यानी
संपुट, ये सबसे बाहर की लेयर बनी। उसके बाद इसके अंदर आती है हमारी सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसके अंदर की साइड देखा जाए बैक्टीरिया की जो तीसरी लेयर होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। इसके अलावा इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या कोशिका का वह तरल पदार्थ जो सेल के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटेरियल, या जिसको बैक्टीरिया के अंदर बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। उसके अलावा बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होते हैं कुछ राइबोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर ये राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसको बैक्टीरिया के अंदर बोला जाता है प्लाज्मिड, गैर गुणसूत्री पदार्थ या गैर गुणसूत्रों की सामग्री। न्यूक्लियोइड के अलावा, क्रोमोसोम गुणसूत्रों के अलावा, उसको बैक्टीरिया के अंदर बोला जाता है प्लाज्मिड। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, नहीं सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमारे बैक्टीरिया की, वो थोड़ी कहीं कहीं से अंदर की साइड ज़्यादा बढ़ जाती है और फोल्ड ले लेती है और जो आकार बनाती है उसे बोलते हैं हम मीजोजोम। इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, या कुछ इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है, समावेश निकाय प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडी यानी समावेश निकाय होते हैं, जिनके अंदर या तो बैक्टीरिया का फूड खाना स्टोर करा जाता है या कुछ और तरह के पदार्थ मिलते हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बाहर के कैप्सूल के ऊपर, नहीं बैक्टीरिया की सेल वॉल से लेकर कैप्सूल के ऊपर उसके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं यानी कशाभिका प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम आते हैं, उनको लोकोमोशन, उनको गति प्रदान करते हैं। उसके अलावा हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल पर या बैक्टीरिया की सेल पर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, जिनको बोला जाता है पिलाई।
तो ये डायग्राम हमने पिछली क्लास में भी देखा था और आज फिर से देख रहे हैं। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये किस चीज का डायग्राम है? तो ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल का प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका का